और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर टाइगर जिंदा है इस शुक्रवार को पूरे भारत में एक साथ रिलीज किया जा रहा है। साथ ही साथ फिल्म की एडवांस बुकिंग भी जोर शोर से चल रही है। आपको बता दें कि कई शो तो हाउसफुल भी हो सकते हैं। इसका निर्माण पहले से ही लगाया जा रहा है। लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि सलमान खान की फिल्में जब भी बॉक्स ऑफिस पर आती है वो तहलका मचा के जाती है और इसी चीज का फायदा सिनेमा घर के मालिक भी उठाना चाहते हैं। तभी तो फिल्म की टिकट की प्राइस भी बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, एक अंग्रेजी पोर्टल के ने दावा किया है कि दिल्ली के कई मल्टीप्लेक्स थिएटर में करीब टिकट 3,000 से 5,000 के बीच कर दिया गया है, तो वहीं मुंबई में टिकट की कीमत 2,000 से 3,000 के बीच भी कर दिया गया है। गौरतलब है कि फिल्म रिलीज से पहले ही हाउसफुल हो सकती है। इस बात की जानकारी तरुण आदर्श ने ट्वीट कर पहले ही जानकारी दे दिया है, क्योंकि कटरीना कैफ और सलमान खान की जोड़ी वाली फिल्में हमेशा बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट का डंका बजाती है। इन दोनों की जोड़ी एक था टाइगर ने दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। इसी फिल्म की सीक्वल टाइगर जिंदा है दर्शकों को बड़ी ही लंबे समय से इंतजार है। इस बात का कोई संदेह नहीं है कि टाइगर जिंदा है एक धमाकेदार फिल्म होगी। फिल्म के ट्रेलर से ही पता चलता है कि फिल्म कितना जबरदस्त होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र से बताया गया है कि टाइगर जिंदा है से बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। बता दें कि इस फिल्म के साथ सलमान खान और कटरीना कैफ दोनों एक साथ वापसी आ रहे हैं। दोनों 5 साल के बाद किसी फिल्म में एक साथ नजर आएंगे। आपको बता दें कि सलमान और कटरीना का स्वैग से करेंगे स्वागत पहले ही इंटरनेट पे खूब वायरल हो चुका है।